नमस्ते जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। ये स्वीट पी के फ्लावर्स, अभी तो इनका जो सीज़न जा रहा है, चला ही गया है, तो ये कुछ कुछ लगे जो हैं ये दिख रहे हैं, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो इनके जो सीड को जो लगाया जाता है, ये सीधे डायरेक्टली आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। और इन्हें जो इनकी ये स्टेम होती है, ये बड़ी पतली होती है, तो इसको जो है ये सहारे की ज़रूरत होती है इसकी स्टेम को। तो ये कई रंगों के होते हैं, और जो मिट्टी इसकी होनी चाहिए उसमें हल्का लाइम और रिच ऑर्गेनिक चीज़ें जो मिली हुई होनी, उसमें बहुत अच्छे से ये चलते हैं। आप पॉट में भी इसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से, और वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए और फुल सनलाइट मिलनी चाहिए। तो ये अभी इसके सीड तैयार हो गए हैं, ये फलियाँ देखा, मटर की तरह ही होती हैं ये फलियाँ, इनके बीच में सीड होता है, भरा हुआ होता है। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने ये लगा रखे हुए हैं, तो वो इस तरह से जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएं, तो इन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। इन्हें जो चढ़ने के लिए होता है सहारे की ज़रूरत होती है, तो जब लगा देते हैं तो फिर जब इनके प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसी टाइम इन्हें सहारा दे दें। तो कई रंगों के ये होते हैं। तो अभी तो ये पूरा इनका टाइम हो गया, ये सीड भी बन चुका है, तो देख रहे हैं आप। ये एक फूल मैं ये इस कलर का भी दिखा रही हूँ, बहुत सारे रंगों के होते हैं ये, अलग अलग कलर के होते हैं, पर ये अब पूरा इसका ये सीड ये देखिए तैयार हो गया है इस तरह से। ये ऐसी जब फली हो जाए, तो आपने सीड किस तरह से ये कलेक्ट करना है। ये फली देख रहे हैं अंदर से, ये बाहर से ये पक गई है, अंदर से ये सीड इसका दिख रहा है। तो ये बीच में ये सीड जो भरे होते हैं ये, तो आप इसे तोड़ सकते हैं। ये पूरी भरी हुई है, जब ये ब्राउन कलर की हो जाए, इस तरह से ये सीड, ढेरों सीड इनके तैयार हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं सीड, ये सब सीड, ये सब ब्राउन हो रहे हैं, ये ढेरों सीड जो इन फलियों के अंदर ये भरे पड़े हैं। और अगर आप इनको टाइम से चुनते नहीं हैं, तो रहने देते हैं पूरी तरह से, अगर ये पक जाते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं कि सीड ये अपने आप खुल जाते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं, मैं ये आपको बताती हूँ, ये इस तरह से, ये अभी कच्चे हैं, ये इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से। तो काफ़ी कुछ ये पक गया है, और कुछ थोड़े ही टाइम में ये फिर मैच्योर हो जाएंगे, बिल्कुल ब्राउन हो जाए, तो फिर आप इन्हें ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखो ऐसे इस तरह से ये ब्लैक कलर के ये दिखना स्टार्ट होते हैं सूख के ये, तो अभी ये ग्रीन है, तो तब चुने इनको जब ये ब्राउन कलर के हो जाएं बिल्कुल। तो ये देखो सीड ही सीड, पूरे सीड सीड इसके भरे रहते हैं इन पर। ये आप जो सीड देख रहे हैं, फलियों को हाथ लगाते ही खुल गए हैं, ये पके हुए हैं बिल्कुल, ये इस तरह के सीड होने चाहिए, ये तैयार सीड हैं ये बिल्कुल, मटर के स्वीट पी के सीड, ये देख पा रहे हैं आप। नमस्ते जी, शुक्रिया करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।